आज का क्लास जो हम लोग करेंगे वो हम लोग लास्ट क्लास से कंटिन्यूएशन, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और वर्टिब्रल कॉलम में आप कौन आया? सोहेल। सो वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग ये देखेंगे कि एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, इसको कहते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला। वर्टिब्रल फॉर्मूला नीट का एक बहुत ही पुराना स्टाइल का क्वेश्चन है, इससे आते हैं तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो, इस जगह से एक क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एडल्ट की वर्टिब्रल फॉर्मूला का, कॉलम का फॉर्मूला क्या है एडल्ट। एडल्ट के लिए हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह के लिखेंगे, सी टी एल एस सी डी, सी टी एल एस सी डी। इसमें हम लोग लिखेंगे C7, T12, L5, S1, CD1। सो 7 12 5 1 1, सी टी एल एस सी डी, 7 12 5 1 1। सेकेंडली बात करेंगे चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड की वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला उसी तरह सी टी एल एस सी डी। इसमें वर्टिब्रल कॉलम में फॉर्मूला क्या होगा? एकदम एकदम एक ही झटके में 4 मार्क्स आपकी कंफर्म हो गए। कैसे? सी इसमें होगा 7 12 5 5, ठीक है 4। तो इसी दो जगह को आप याद करो, एडल्ट और चाइल्ड में सी टी एल सेम होते हैं 7 12 5, सिर्फ एस और सी डी में आपके डिफरेंस होते हैं। एडल्ट की कंडीशन में एस पार्ट जो है वो 1 है, चाइल्ड के लिए 5 है। एडल्ट में सी डी जो 1 है, चाइल्ड में सी डी आपकी 4 है। तो सी डी मतलब क्या है? कॉकिक्स का पार्ट है, कॉकिक्स, ठीक है। सी डी का मतलब है ये कॉकिक्स का पार्ट है। तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट है सर्विकल वर्टिब्रा। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सर्विकल वर्टिब्रा यानी कि नेक वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा कौन सा पार्ट है? एकदम अपर। अच्छा पहले लिखते हैं सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? सी सी पार्ट कहते हैं। इसमें कितने बोन्स हैं? इसमें 7 बोन्स हैं। कितने बोन्स हैं? 7 बोन्स हैं। तो सर्विकल वर्टिब्रा में 7 बोन्स हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल, यही आपका याद रखना है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल। मैं क्यों इस बात को आपको सिखा रहा हूं, क्यों इस बात को बोल रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक द मैमल? बिकॉज देयर इज अ मरीन हर्बीवोर, मैमल इज देयर। वो एक्सेप्शन को हमें सीखना है, एक्सेप्शन। एक मरीन हर्बीवोर मैमल है, मरीन हर्बीवोर मैमल है। डू यू अंडरस्टैंड? मरीन हर्बीवोर मैमल। चलिए आप एक बार हमको बताइए, तो ऐसा कोई नाम आप जानते हैं कि जिसमें मरीन हर्बीवोर मैमल आपने सुना होगा, देखा होगा?
इसको सी हॉर्स नहीं, सी हॉर्स तो आपकी छोटा सा एनिमल हो गया, फिश काइंड में आता है, उसको कहते हैं सी हॉर्स, इसको कहते हैं सी काओ, इसको कहते हैं सी काओ, ठीक है, सी काओ के नाम से ये जाना जाता है। तो सी काओ में एक्सेप्शन क्या है, सी काओ में इसकी एक्सेप्शन है, एक कंटेंस 6 से 9 वर्टिब्रा बोन्स, यानी कि सर्विकल वर्टिब्रा में बोन्स होते हैं, 6 से 9, कोई ठीक नहीं है, इसका फिक्स नहीं है। सो इट हैज 6 to 9 सर्विकल बोन्स, तो हम कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, नॉट फिक्स्ड। सो ये एक एक्सेप्शन ऑफ दी मैमल्स है, क्या बोला मैंने, एक्सेप्शन ऑफ दी मैमल्स है, बाकी सारे मैमल्स की कंडीशन में 7 बोन्स इज द फिक्स। समझा क्या? हाँ हाँ ना बोलो, मैं वेट कर रहा हूं, जवाब देते रहो, इंटरेक्शन करते रहो। ठीक है, इसके कुछ और भी बोन्स के, ये जो 7 है 7 बोन्स का नाम कुछ और है, ठीक है, ये नाम पे हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग सिर्फ मेन मेन पार्ट में चलेंगे, मेन मेन पार्ट पे चलेंगे। अब आप बताओ नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा सर्विकल बोन का? हाँ, सर्विकल के बाद आते हैं थोरासिक, ठीक है, थोरासिक के बाद आते हैं लंबर, उसके बाद आते हैं आपका सैक्रम, देन कॉकिक्स। लेकिन सर्विकल में आपका एक पार्ट और भी होगा जिसको कहते हैं हम लोग स्टेर्नम, ठीक है, सर्विकल में आपका एक, सर्विकल के बाद थोरासिक में, एक्चुअली थोरासिक, थोरासिक में 12 है, तो थोरासिक में आपकी स्लिप ऑफ टंग सर्विकल हो गया, उसको थोरासिक होगा, थोरासिक में, थोरासिक में कितने टर्म्स है, कितने बोन्स है हमारा थोरासिक में, 12, C7T12, तो थोरासिक में कितने हैं, 12 बोन्स है, डू यू अंडरस्टैंड, थोरासिक में कितने बोन्स है, 12 बोन्स है। लेकिन थोरासिक के पार्ट में हमें एक छोटा सा चीज पढ़ना है, वो है स्टेरनम। स्टेरनम क्या है, इट इज द मिडिल बोन, ठीक है, इट इज द मिडिल बोन ऑफ द चेस्ट। देखो फिर से कौन आया, वाओ, वेलकम ऐश्वर्या, वेलकम टू दी क्लास। स्टेरनम में, गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या, अरे जवाब तो दो, हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो फाइन, सो स्टेरनम में, स्टेरनम को क्या कहते हैं, स्टेरनम इज, हाँ स्टेरनम इज अ ब्रेस्ट बोन, एक्चुअली स्टेरनम इज द मिडिल बोन ऑफ द ब्रेस्ट, मिडिल बोन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक, ये मिडिल पार्ट है। सो ये क्या करते हैं, ये सारे रिब्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ये सारे रिब्स को होल्ड करके रखते हैं, तो स्टेरनम होल्ड होल्ड रिब्स, और होल्ड रिब्स, तो स्टेरनम क्या करते हैं, रिब्स को होल्ड करके रखते हैं। सो मेनली जो ये थोरासिक में 12 बोन्स की बात कर रहे हैं, रिब्स में,
इसमें कितने बोन्स होते हैं, इसमें रिब्स में आप फिर 12 पेयर ऑफ बोन्स, रिब्स में कितने बोन होते हैं, 12 पेयर, एक साइड में रिब्स में 12 पेयर, ठीक है ना, इन ईच साइड। याद आ रहा है आपको? सो ये 12 पेयर्स ऑफ बोन्स है इसकी ईच साइड में, ठीक है। अब इनकी बेसिकली इनका तीन टाइप की रिब्स है, तीन टाइप, तो थ्री टाइप्स, 12 पेयर्स में भी थ्री टाइप्स है। ये थ्री टाइप का एक टाइप का क्वेश्चन आपको आते हैं नीच में, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं आपको। 12 ये रिब का जो 12 पेयर है ईच साइड में, इनमें तीन टाइप है। मैं क्या कह रहा हूं, तीन टाइप। सो फर्स्ट टाइप को बात करेंगे, द फर्स्ट टाइप, इस फर्स्ट टाइप में इसको कहते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितने हैं, सेवन पेयर, सेवन पेयर, कहां से कहां तक, फर्स्ट टू सेवेंथ, फर्स्ट पेयर से लेके सेवेंथ पेयर, सेवेंथ पेयर, ये है आप इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। इसको जगह छोड़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस पार्ट लिखेंगे इसमें। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में कितने आते हैं, थ्री पेयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। देखो एक है ट्रू रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स, ठीक है। ये कितने पेयर का आता है, तीन पेयर का आता है। कितने पेयर आता है, तीन पेयर। आज का जो टॉपिक है ये हर एक पॉइंट जो है वो नीट के लिए ही बना हुआ है। इसमें तीन पेयर का आते हैं, तीन पेयर में एट पेयर टू टेंथ पेयर, एट नाइन एंड टेंथ पेयर, ये जो तीन पेयर है इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है, फॉल्स रिब्स। इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे, एडवांस पार्ट्स है तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको तीन नंबर पार्ट पे चलते। थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग रिब कहते हैं इसको। फ्लोटिंग रिब कितना है, दो पेयर का होता है, फ्लोटिंग रिब टू पेयर का होते हैं, फ्लोटिंग रिब टू पेयर का होता है। कितने पेयर, कितना, कौन कौन सा, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, ये जो लास्ट का दो पेयर है, द लास्ट टू पेयर, क्या लिख रहे हैं, लास्ट टू पेयर जो रिब है उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। सो अगर आप इसको वर्टिब्रल कॉलम, इस टाइप का वर्टिब्रल कॉलम मानोगे, तो पहले से जो सात पेयर है, एक दो तीन चार पांच छ, जो सात पेयर होगा, एक दो तीन चार पांच छ एंड सात, ये जो सात पेयर होंगे इसको कहते हैं क्या, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद तीन पेयर आएंगे उसको कहेंगे फॉल्स रिब्स, एक दो तीन, और इधर एक दो तीन, इसको कहेंगे फॉल्स रिब्स। और लास्ट के जो दो पेयर होंगे, एक एंड दो, एक एंड दो, इसको कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स। सो पहले सात पेयर, उसके बाद तीन पेयर, उसके बाद दो पेयर, इनको कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ना अब इसकी थोड़ा सा डिटेल बातों में चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल बातों में चलते हैं। ना अटैच टू द, ये सीधा सीधा अटैच टू द स्टेरनम, अटैच टू स्टेरनम विथ कार्टिलेज,
अटैच टू स्टेरनम विथ कार्टिलेज, इस कार्टिलेज का नाम है नेम ऑफ कार्टिलेज। नेम ऑफ कार्टिलेज इज इंटर कोस्टल कार्टिलेज, इंटर कोस्टल कार्टिलेज, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इंटर कोस्टल कार्टिलेज, ये नाम इंपॉर्टेंट। सेकेंड टाइप पे आते हैं फॉल्स रिब्स। ये फॉल्स रिब्स जो है ये इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टेरनम, इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टेरनम थ्रू थ्रू इंटरकोस्टल कार्टिलेज। सो हम लिख रहे हैं IC, इंटरकोस्टल कार्टिलेज, इसको इंडिकेट कर देते हैं अपने एक नाम से IC। तो IC, IC से सारे नहीं, ओनली वन इंटरकोस्टल कार्टिलेज ऑफ, तो IC ऑफ ऑफ सेवेंथ, ठीक है, इंटरकोस्टल कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ। सात नंबर का जो इंटरकोस्टल कार्टिलेज है इससे ये तीन पेयर कार्टिलेज, तीन पेयर का जो बोन है वो जुड़ा हुआ है। एक बार और सुनो, जो सातवा यानी कि सेवेंथ पेयर ऑफ कार्टिलेज जो है, सेवेंथ पेयर यानी कि ये वाला, दिस ये वाला, इस सेवेंथ पेयर कार्टिलेज के साथ ये तीन पेयर इस जुड़ा हुआ है इस टाइप का। सेवेंथ पेयर के कार्टिलेज के साथ ये इस टाइप का जुड़ा हुआ है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉल्स रिब। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, ये जो सात पेयर है ये आपकी डायरेक्टली स्टेरनम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक जो तीन पेयर है ये सेवेंथ पेयर जो है इसकी कार्ट इंटरकोस्टल कार्टिलेज के साथ ये तीन पेयर का बोन जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसका नाम कुछ अलग से रखा गया, इसको कहते हैं वर्टी ब्रोकन ड्राल रिब्स। धीरे धीरे बात करेंगे, वर्टी वर्टी ब्रोकन ड्रल, ब्रो कॉन ब्रो, उसके बाद कॉन, उसके बाद ड्रल, धीरे धीरे इस प्रोनाउंसिएशन करो याद हो जाएगा, वर्टी ब्रो कॉन ड्रल, वर्टी ब्रो कॉन ड्रल रिब्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वार्टी ब्रोकॉन्डल रिब्स। ये जो फॉल्स रिब्स है इसको कहते हैं वार्टी ब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, कौन सा, थ्री पेयर का जो रिब्स है फॉल्स रिब्स उसको कहते हैं वार्टी ब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और ये जो फ्लोटिंग पेयर है ये नॉट अटैच टू द स्टेरनम, ये स्टेरनम से जुड़ा हुआ ही नहीं है, स्टेरनम से जुड़ा हुआ ही नहीं है, नॉट अटैच टू स्टेरनम। नीचे का जो दो रिब्स है वो स्टेरनम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इस पेयर का नाम है फ्लोटिंग रिब्स। हमारे सीने का नीचे, हमारे सीने का नीचे अगर आप हाथ लगाओगे जिस जगह पे रिब्स खत्म होते हैं और हमारा
यानी कि एब्डोमिनल कैविटी शुरू होता है, उसी जगह पे अगर आप देखोगे वहां पर हाथ लगाओ, आपको दो रिब्स आपको दिखेंगे या महसूस होगा। वो दो रिब्स जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है, वो फ्लोटिंग रिब्स है, वो स्टेरनम से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आते हैं इसी रिब्स के जो बोन है, इस यहां से एक क्वेश्चन आपका नीट में मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन मैं बताता हूं। ऑल रिब्स इन मैमल्स, ऑल रिब्स इन मैमल्स हैव टू हेड, हर एक रीप का दो हेड होते हैं मैमल्स में, ठीक है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड बाई सेफा लीक, बाई सेफा लीक। सो द ऑल रीप्स इन मैमल्स हैव टू हेड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज बाई सेफा लीक। नाउ ये दो रीप्स की नाम भी दो टाइप का नाम है, एक का नाम है कैपिट्यूलम, एक हेड का नाम है कैपिट्यूलम और दूसरा हेड के नाम है ट्यूबर कुलम, दूसरा हेड का नाम है ट्यूबर कुलम। सिंपल सिंपल से समझो, सिंपल सिंपल से, ठीक है। नाउ ये मैमल्स की कंडीशन में, तो ये हो गया आपके रिब्स और स्टेरनम की, ये पार्ट जो है इस जगह पे खत्म होते हैं। और हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जितने जरूरी है उतना करेंगे। इसके बाद आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स और नेम्स। नाउ वी विल स्टार्ट एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्केलेटन, जिसने पिछले वीडियो को क्लास को ठीक से नहीं किया, नहीं सुना है, उसके लिए मैं एक बार और बता देता हूं एक लाइन में। एंडोस्केलेटन जो है उसकी, वो दो टाइप के हैं, एक एक्सियल स्केलेटन जो मेन बॉडी को फॉर्म करते हैं और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि साइड वाइज बॉडी का है। उसमें हाथ हो सकते हैं, कुछ पैर हो सकते हैं, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, इस टाइप की फॉर्म्स है, ये वगैरह वगैरह, पेट में है, बहुत सारे है जगह पे। सो वो जो बोन्स है वो है आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स आते हैं, 126 बोन्स इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन आते हैं, तो 126 बोन्स आते हैं। इसमें कितने कौन कहां पर ही कितना बोन्स आते हैं वो हम लोग देखेंगे। एक नंबर वन, इसके हिसाब भी देखेंगे। पहला है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं इसको। नाउ पेक्टोरल गर्डल, इसमें आपके चार बोन्स है, फोर बोन्स, ठीक है। आर्म्स, नंबर टू आर्म्स में, दोनों हाथ में, इसमें आपकी कितनी
कितने बोन्स है? इतने आप इसमें आपकी 60 बोन्स है, एक हाथ में 30, दूसरा हाथ में 30, 60 बोन्स है। तीसरा है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स है? दो बोन्स है। पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स है? दो बोन्स है। चार नंबर, लेग्स, पैर में, पैर मतलब आपकी सिर्फ घुटनों के नीचे नहीं, आपकी जंघा के शुरू शुरू होते हुए उंगली तक, वो पूरी की पूरी लेग एरिया है। लेग एरिया में आपकी कितने बोन्स है? 60 बोन्स है। तो ज्यादा से ज्यादा बोन्स तो आपके हाथ और पैर में है, 60 60, 120 और 6 126। तो दीज आर द 126 बोन्स इसमें है। नाउ आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस ये पेक्टोरल क्या है? पेक्टोरल हम किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? पेक्टोरल हम लोग कहेंगे शोल्डर को। शोल्डर को हम लोग कहेंगे पेक्टोरल गार्ड। अच्छा, पेल्विक किसको कहेंगे? पेल्विक हो गया बेसिकली हिप रीजन, हिप एरियाज, कमर का जो एरिया है उसमें जो बोन्स है, मेन बॉडी को होल्ड करके रखते हैं, बॉडी की पूरी वेट जो है वो पेल्विक गर्डल पे होते हैं। ठीक है, अपर पार्ट का जितना सारा, क्योंकि अपर पार्ट का वजन ही ज्यादा है, तो ये बॉडी के अपर पार्ट की जितनी भी वजन है, जितना भी आपकी प्रेशर है, वो आपकी ये पेल्विक गर्डल पे आके गिरते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? देखो, अगर पढ़ाई को अगर आप एंजॉय करोगे तो पढ़ाई बड़ा आसान है, अगर पढ़ाई को आप स्ट्रेस पे लोगे तो पढ़ाई बहुत कठिन है। तो पेक्टोरल गार्डल पे हम लोग बात करेंगे, कुछ कॉमन नेम्स है पेक्टोरल गार्डल। पेक्टोरल गार्डल पे बात करेंगे, एक हाफ, वन हाफ, ठीक है, ईच हाफ कहेंगे, ईच हाफ मतलब एक शोल्डर पे, इसमें आपके दो बोन्स होते हैं, दो बोन्स होते हैं। एक बोन का नाम है क्लैविकल और कॉलर बोन, इसको कहते हैं क्लैविकल और कॉलर बोन कहते हैं इसको। दूसरे जो है, दूसरा बोन जो है उसको कहते हैं कैप्यूला, उसको क्या कहते हैं? कैप्यूला, कैप्यूला कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, यानी कि पेक्टोरल गार्डल पे एक कैविटी है, सिर्फ हमें वो कैविटी का नाम हमें हमें याद रखना है। ठीक है, कैविटी ऑफ पेक्टोरल गार्डल। कैविटी ऑफ पेक्टोरल गार्डल इसको कहेंगे ग्लेनॉइड कैविटी। क्या कैविटी कहेंगे? ग्लेनॉइड कैविटी। आराम से, ग्लेनॉइड कैविटी। दूसरे, इसके बाद आ गया किसमें? आर्म्स में, हाथ में, हैंड्स में। इसमें कितने बोन्स है? 30 बोन्स, एक हाथ के लिए बात कर रहा हूं, 30 बोन्स ईच हैंड। इसी ईच हैंड में
जो बोन्स है इसका नाम आपकी नीट्स में पूछा जाता है। मैं बार बार इसको लिख देता हूँ, ये नीट के लिए क्वेश्चन ये यहाँ से देते हैं। अपर आर्म का नाम क्या है? बोन ऑफ द अपर आर्म, अपर आर्म बोन, इसमें एक बोन है, वन बोन है, और इसका नाम है ह्यूमेरस। इसका नाम है ह्यूमेरस। दूसरा, लोअर आर्म का बोन है, इसमें कितना बोन्स है? दो बोन्स, टू बोन्स। इसका नाम क्या है? रेडियस और अल्ना, इसको कहते हैं रेडियस। एक है रेडियस, दूसरा का नाम है अल्ना, ठीक है। इसके बाद आते हैं रीस्ट में। रीस्ट में कितने बोन्स हैं? रीस्ट में आपका एट बोन्स है, एट एट बोन्स है। रीस्ट के बोन्स का नाम क्या है? कार्पल। अब इसी जगह पे हम आपको एक जगह पे लेके चलते हैं, क्योंकि आपको स्पेलिंग में मिस्टेक होगा। बॉटनी में एक वर्ड है, इसको कहते हैं कार्पेल, और ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कार्पेल। तो इसमें क्या आया? ई ई वर्ड आया। इसी ई वर्ड को चेंज करके यहां पर ही ए वर्ड कर देते, ए कर देते हैं, तो कार्पल हो गया। और कार्पल इज अ बोन ऑफ द रीस्ट, वेयर कार्पेल इज द पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर, राइट। इसके बाद आएंगे रीस्ट के बाद क्या आएगा? रीस्ट के बाद क्या आता है स्टूडेंट? पम आता है, पम पम। आपके पम में कितने बोन है? पांच बोन है। कुल मिला के आपके कितने बोन है? फाइव बोन्स। इस बोन्स का नाम क्या है? मेटाकार्पल, इसको कहते हैं मेटा कार्पल। मेटा कार्पल कहते हैं। इसके बाद पम के बाद क्या आता है? फिंगर। क्या आता है पम के बाद? फिंगर आते हैं। फिंगर में कितने बोन होंगे? 14, 14। फिंगर में आपके 14 बोन्स होंगे, ना 14 बोन्स। इसका नाम क्या है? फैलेंजेस, फैलेंजेस, ये हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? खाली इसका नाम आप याद रखो, आपको अभी कुछ ज्यादा कुछ याद रखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, खाली नाम याद रखो, इतना ही आपके लिए काफी है। अब आते हैं पेल्विक, यानी कि हिप का बोन, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल में आपकी कितने बोन्स है? हिप गर्डल में दो बोन्स है, दो दो, ठीक है, समझ में आया? इसके नाम जो है, अभी नाम इसमें आपको जरूरत नहीं है, अगर आप एडवांस कहीं जगह पे पढ़ोगे तो आपका नाम उसमें याद करवा दिया जाएगा। जो मेनली जरूरी है उस नाम को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज लेग, इसी में हम लोग लिखेंगे लेग। लेग में कितने बोन्स आते हैं? 30। कितने बोन्स आते हैं? 30 ईच लेग में, ठीक है, 30। अब उसमें क्या क्या है? लेग में क्या है? सबसे पहले है थाई,
इसको क्या कहते हैं, थाई। थाई में एक ही बोन होते हैं, उसका नाम है फेमर। उसका नाम क्या है, फेमर। आप समझ गए होंगे, ये पार्ट जो है ये नीट के लिए पार्ट है, दिस इज द पार्ट फॉर द नीट। वो लोग इसी का ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि बोन्स का नाम क्या है, चार ऑप्शन दे दिया, या तो आर्म बोन्स में उन ऑप्शन दे दिया, ठीक है, वो आपको इस टाइप की क्वेश्चन आपको थ्रो करते हैं। नी का, उसके बाद नी का कैप है, थाई आके नी में जुड़ते हैं, नी कैप का नाम क्या है, नी में कैप होते हैं, वो भी एक बोन सी है, तो उसमें एक ही बोन होते हैं, वन बोन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पटेला, इसका नाम है पटेला, नी के बोन कैप, नी कैप का जो बोन है इसका नाम है पटेला। उसके बाद नी के बाद शंख होते हैं, शंख यानी कि नीचे की पार्ट का, नीचे का लेग का जो पार्ट है उस पार्ट को कहते हैं शंख, शंख कहते हैं। शंख में आपकी दो बोन्स होते हैं, दो बोन से शंख बनते हैं, एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है टीबिया, दूसरे का नाम है फिब्यूला। आधा डॉक्टरी तो मैं यही पढ़ा देता हूं आपको, बाकी आधा मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ लेना, सही है, सही है कि नहीं है। उसके बाद आते हैं एंकल, एंकल में आपकी सात बोन्स होते हैं, इस सात बोन्स का नाम क्या है, टार्सल्स, इसका नाम है टार्सल्स। उसके बाद सोल, एंकल के बाद क्या आते हैं, सोल, ठीक है, आपकी फिर पांच बोन से बनते हैं, फाइव बोन्स, ठीक है, सोल जो है पांच बोन से होते हैं, उसको कहते हैं मेटा टार्सल, मेटा। और उसके बाद टोज, टोज में आपकी 14 बोन्स होते हैं, 14 बोन्स इन द टोज, इंक्लूडिंग दी फिंगर्स, ये इंक्लूडिंग फिंगर्स है, आर्म्स की केस में पाम में अलग बोन्स है नाम, और फिंगर्स में अलग बोन्स है, लेकिन इस कंडीशन में टोज एंड आपकी जो फिंगर्स है वो मिला के एक बोन्स होते हैं, उसको कहते हैं फैलेंजेस, उसको क्या कहते हैं, फैलेंजेस। बस इतना ही आप इसको याद रखो, यही आपके लिए काफी है, ठीक है। हेलो, समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो हम लोग आगे जॉइंट्स के बात करेंगे, लेकिन आज जॉइंट्स की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ ये बोन्स तक ही हम लोग सीमित रहेंगे, और आगे चल के हम लोग जॉइंट्स की बात करेंगे। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, आज के क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, थैंक यू स्टूडेंट।